अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए ताकि सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो वीडियो का थंबनेल देख के आप सब लोगों को पता चली गया होगा कि वीडियो किस बारे में होने वाला है। तो जी हाँ, अभी ये जो स्क्रीन पे अभी जो ये प्ले हो रहा है इसी रील की मैं बात कर रहा हूँ। इसका नाम है अपेरेंटली यू लुक लाइक यूअर कम्फर्ट कैरेक्टर। इस नेम से एक रील अभी ट्रेंड हो रहा है। इसमें बेसिकली होता है कि एक एनिम कैरेक्टर का एक फिल्टर आपके फेस पर अप्लाई हो जाता है और उसमें मतलब जो अलग अलग कैरेक्टर है एनिम के वो प्ले होते रहते हैं और एक मोमेंट पर वो स्टॉप हो जाता है। और मतलब यही बेसिकली जो अभी आप वीडियो पर देख रहे हैं यही बेसिकली ये ट्रेंड है। तो इसे आप कैसे मतलब यूज़ कर सकते हैं, ये फिल्टर का यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। और ये वीडियो में आपको मैं बता दूंगा कि ये सिर्फ वीडियो आपको 3 स्टेप्स में आपका बन जाएगा। तो अभी इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में आपको बैकग्राउंड ऑडियो लगेगा वीडियो बनाने के लिए। तो ये बैकग्राउंड ऑडियो के लिए मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक रील का लिंक दिया। वो लिंक आप जैसे ही ओपन करोगे तो अभी आप स्क्रीन पे जो रील अभी यहाँ पे ओपन हो रहा है वो रील आपके स्क्रीन पे अपने आप ओपन हो जाएगा। तो वो रील ओपन करके आपको नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर ओरिजिनल ऑडियो डेमोन एनिम करके एक नेम ऐसा स्लाइड होते जा रहा है, उसके ऊपर आपको टैप करना है। वो इसका ओरिजिनल ऑडियो है, उसके ऊपर आप टैप करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव ऑडियो करके, जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हो। तो सेव ऑडियो के ऊपर आपको सिर्फ टैप करना है। इससे क्या होगा, ये जो ऑडियो है ये आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा, मतलब इंस्टाग्राम पे सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको इंस्टाग्राम बंद कर देना है। स्टेप नंबर 2 में आपको आपका इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है उसे ओपन करना है। उसे ओपन करने के बाद आपको राइट साइड में उसे स्वाइप करना है। स्वाइप करने के बाद यहाँ पे नीचे सब इफेक्ट दिखेंगे, आपको एंड में जाना है। लेफ्ट साइड में स्वाइप करके एंड में जाएगा, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्राउज इफेक्ट करके। ब्राउज इफेक्ट के ऑप्शन पर जाकर आपको सर्च के ऊपर टैप करना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है एनिम एंड यू, ऐसे आपको टाइप करके सर्च करना पड़ेगा। एनिम टाइप करने के बाद जो एंड आप टाइप करोगे वो आपको सिंबल में टाइप करना है, स्पेलिंग लिख के नहीं टाइप करना है। ऐसे सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको इफेक्ट आएंगे। इसमें आपको 2 इफेक्ट मिलेंगे, दोनों में से आपको भी इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं, दोनों भी एक ही क्रिएटर से है। तो इसमें का जो दोनों इफेक्ट मैं आपको यूज़ करके बताऊंगा। फर्स्ट इफेक्ट के ऊपर आपको टैप करके आप यहाँ पे सेव भी कर सकते हो, ट्राइट भी कर सकते हो। यूज़ करने के लिए आपको ट्राइट के ऑप्शन पे यहाँ पे टैप करना पड़ेगा। जैसे आप इसके ऊपर टैप करोगे आपका फेस यहाँ पे फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। नीचे आपको एक सर्कल का ऑप्शन दिखेगा, उस सर्कल के ऑप्शन पर आपको टैप करके रखना है। जैसे आप उसके ऊपर टैप करोगे तो यहाँ पे आपके फेस पर एनिम प्ले होना चालू हो जाएगा। जब तक कुछ स्टेबल एक एनिम यहाँ पे रुक नहीं जाता तब तक आपको इसके ऊपर टैप करके रखना। जब अभी यहाँ पे स्टेबल हो गया इसके बाद आपको ये छोड़ देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर एक डाउनलोड एरो ऑप्शन मिलेगा, उससे ये जो वीडियो है आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। तो आपको ये मोबाइल में सेव करना है, डाउनलोड एरो के ऊपर आपको टैप करके रखना है। टैप करोगे तो यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा, ये प्रोसेसिंग के बाद ये वीडियो आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। जैसे ये सेव हो जाएगा आपको बैक आना है। इसके बाद मैं अभी आपको सेकेंड जो फिल्टर है उसे भी यूज़ करके बताया था। बैक आके आपको जो सेकेंड फिल्टर है यहाँ पे 2 नंबर का, तो उसको आपको भी सेम ही करना है। ट्राइट के ऑप्शन पर टैप करने का आपको सिर्फ यहाँ पे फेस ओपन हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे भी सेम आपको बटन सर्कल बटन के ऊपर टैप करके रखना, और जब तक स्टेबल एनिम नहीं आता तब तक आपको उसके ऊपर टैप करके रख देना है। जब भी स्टेबल कुछ आ जाएगा तभी आपको उसको छोड़ देना है। उसके बाद ये भी वीडियो आप सेव करके रख सकते हो। तो मैं भी अभी ये वीडियो सेव करके रख देता हूँ। बाद में अभी मैं बनाऊंगा वीडियो तो एक के ऊपर आप दोनों में से कोई भी फिल्टर यूज़ करके आप वीडियो बना सकते हो। ये सेव हो जाने के बाद आपको बैक आके इंस्टाग्राम बंद कर देना है। तो इसके बाद एक लास्ट और थर्ड स्टेप आपको करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंस्टाग्राम आपको ओपन करना है। आप जैसे इंस्टाग्राम ओपन करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर एक आपको प्लस का आइकॉन दिखेगा, उसके ऊपर आपको टैप करना है। उसके ऊपर टैप करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ कैमरा आपका ओपन हो जाएगा और नीचे आपको ऑप्शन दिखेंगे, और नीचे ऑप्शन में आपको पोस्ट और रील्स ऐसे ऑप्शन दिखेंगे। तो उसमें का आपको जो रील्स का ऑप्शन है एकदम बॉटम में उसके ऊपर टैप करना है। उसके ऊपर आप टैप करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। इसमें सेकेंड एक ऑप्शन लेफ्ट साइड में दिखेगा आपको ऑडियो का, तो उस ऑडियो के ऑप्शन पर आपको टैप करना है। उस ऑडियो के ऑप्शन पे आप टैप करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑडियो सर्च करना है। ऑडियो का नाम अभी मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या है। तो ये जो फर्स्ट ऑडियो है डेमोन एनिम, तो आप देख सकते हो इसका स्पेलिंग कैसे है। तो ये ऑडियो आपको इस वीडियो के लिए बाद में बैकग्राउंड में लगाना पड़ेगा, लेकिन आपको ये अगर सर्च करके नहीं मिलता तो मैंने स्टार्टिंग में जैसे बताया कि वो मेरा जो रील था उसके ऊपर जाके आप वो ऑडियो सेव कर सकते हो। तो वो सेव किया हुआ जो ऑडियो उसे आपको रील में कैसे यूज़ करना है मैं आपको बैक जाके बताता हूँ। आपको ऑडियो के ऊपर टैप करना है, बाद में यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन दिखेगा, सेव के ऑप्शन के ऊपर टैप करना है। उसके ऊपर टैप करोगे तो जो ऑडियो आपने वो रील का जो सेव किया था वही आपको यहाँ पर दिखेगा, तो यहाँ से आप वो पिक कर सकते हो। तो उसके लिए इसके ऊपर टैप करके
करके आपको यहाँ पे ऊपर एक डन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको टैप करना है। डन के ऑप्शन पर टैप करने के बाद यहाँ पे आपको स्वाइप अप करना है और जो वीडियो आपको आपने सेव किया था इफेक्ट के साथ फिल्टर के साथ उसे आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ऊपर एयर का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आपको टैप करना है। ये प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि दोनों वीडियो और ऑडियो दोनों मर्ज हो जाते हैं। तो ये मर्ज हो जाने के बाद यहाँ पे आपको फिर से कैमरा ओपन हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे कैमरा ओपन होगा ये प्रोसेसिंग को थोड़ा जहाँ जैसे अभी यहाँ पे कैमरा ओपन हो गया, यहाँ पे आपको एक फॉरवर्ड एरो दिखेगा नीचे सर्कल में, तो उसके ऊपर आपको टैप करना है। उसके ऊपर आप जैसे ही टैप करोगे तो ये नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, वीडियो के सेंटर में आपको टैप करना है। वीडियो के सेंटर में टैप करोगे तो यहाँ पे कीपैड आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो फिल्टर ट्रेंड का जो नेम है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे अपेरेंटली यू लुक लाइक यूअर कंफर्ट कैरेक्टर, तो ये आपको यहाँ पे टाइप करना है। ये टाइप कर देने के बाद यहाँ पे ऊपर आपको दो ए दिखेंगे एकदम ऊपर, तो उसमें का जो बी फर्स्ट जो ए है उसके ऊपर आपको टैप करना है। तो एक बार टैप करोगे तो इसको ब्लैक बैकग्राउंड आएगा, सेकेंड टाइम उसके ऊपर टैप करोगे तो इसको ब्लैक वाइट कलर का बैकग्राउंड आ जाएगा, जैसे अभी यहाँ पे आ गया। तो इसके बाद आपको डन के ऊपर टैप करना है। डन के ऊपर टैप करोगे तो ये जो आपने टेक्स्ट ऐड किया है वो आपके हिसाब से कहाँ पर भी रख सकते हो पोजिशन। उसके बाद आपको नेक्स्ट करने के लिए यहाँ पे नीचे फॉरवर्ड एरो का एक ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर टैप करना। उसके ऊपर टैप करोगे तो बस यहाँ पे आपका रील अपलोड करने का विंडो आ जाएगा। यहाँ पे आप आपके मनपसंद जो भी आपका कैप्शन है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे अभी मैं तो कुछ भी मतलब आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद कवर भी आप आपके मर्जी का यहाँ पे ऐड कर सकते हो, गैलरी में से भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको डन करना है। डन के बाद यहाँ पे नीचे शेयर का ऑप्शन मिलेगा, आप शेयर का ऑप्शन पर टैप करोगे तो ये जो रील है वो ऑडियो के साथ पूरा रेडी होकर आपके फीड पर अपलोड होना चालू हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो ट्रेंडिंग रील है वो आप बना सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।